हेलो फ्रेंड्स, नसल बेसिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत, और आज जिस चीज़ का हम लोग बात करेंगे वो आसूस का एक्सटर्नल ब्लू रे राइटर 16x, उसका स्पीड है। चलिए अभी उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। आसूस एक्सटर्नल 16x ब्लू रे राइटर, देखिए कितना अच्छा पैकेजिंग है इसका। एक व्हाइट कलर का पैकेजिंग में आया है। इसका फ्रंट साइड में बहुत सारे फीचर्स है, और फीचर्स पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये आपका मैक और विंडोज दोनों में सपोर्ट होता है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और देखिए ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपको 6 मंथ तक अनलिमिटेड वेब स्टोरेज मिलता है, जो आसूस का क्लाउड सर्विस है। और ये प्रोडक्ट आपका USB 3.0 से चलता है। USB 3.0 आपका USB 2.0 से इसका ज़्यादा बैंडविड्थ होता है, इसका मतलब इसका जो राइटिंग स्पीड है वो आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपको कुछ प्ले करना चाहते हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आपको अच्छा डेटा स्पीड मिल जाएगा इसके साथ। इसमें और एक अच्छा फीचर्स है जो है डिस्क एनक्रिप्शन। आपका अगर कोई DVD या फिर CD इसमें राइट करना है तो उस टाइम आप इसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। और इसका और एक जो अच्छा फीचर्स है वो है MDisk सपोर्ट होता है। MDisk क्या है, MDisk एक स्पेशल तरीके से वो बनाया जाता है उसको, जिससे क्या होता है इसका जो लॉन्गजिविटी है और ड्यूरेबिलिटी है बहुत हाई होता है, वो MDisk में इसमें सपोर्ट होता है। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको 2 और 3 अच्छा सॉफ्टवेयर आ रहा है। एक आपको हो गया नीरो बैकिटअप, जो अभी बहुत पॉपुलर है। उसके साथ आ रहा है आपका पावर लिंक का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आ रहा है उसका 2 वर्सन आ रहा है, पावर लिंक 12 आ रहा है और पावर टू को 8 आ रहा है इसके साथ। और इसका जो और भी जो फीचर्स है वो हम अभी देखेंगे। इसमें मैजिक सिनेमा फीचर्स है, जिसमें आप 3D जो मूवी है 3D मूवी को अच्छी क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। और इसमें है आपका 2D टू 3D कन्वर्सन है, कोई भी 2D आपका जो मूवी है या पिक्चर्स है उसका 3D में कन्वर्सन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका और एक अच्छा फीचर्स है अप स्केलिंग। आपका जो नॉर्मल DVD क्वालिटी है जिसमें आपका फुल HD या ऐसा जो 4K और जो भी आपका ऐसा फीचर्स है ना, ये आपका अप स्केलिंग इसमें हो जाता है। जो भी नॉर्मल DVD है उसको अप स्केलिंग करके हाई क्वालिटी में आप इसमें देख सकते हैं। और इसका और एक अच्छा फीचर्स है, इसका जो ओरिएंटेशन है, जब इसको डेस्क में रखेंगे अनबॉक्सिंग के टाइम में भी हम दिखाएंगे आपको, इसको आप 2 तरीके से रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं, वर्टिकली भी रख सकते हैं। चलिए अभी इस प्रोडक्ट को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके साथ क्या एक्सेसरीज आए वो भी चेक करेंगे, और इसको पावर ऑन करके इसका जो फीचर्स है वो भी चेक करेंगे। चलिए अभी इस आसूस का जो एक्सटर्नल ब्लू रे राइटर है इसको अनबॉक्स करते हैं। बड़ा सा पैकेट है, लग रहा है बहुत सारे एक्सेसरीज है। चलिए इस एक्सेसरीज और डिवाइस को एक बार चेक करते हैं। देखिए 2 कंपार्टमेंट हैं, लेफ्ट साइड में आपका ये ब्लू रे राइटर है। पहले इसके एक्सेसरीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका ये डाइवर्सिटी प्लस इसमें जो सॉफ्टवेयर है, जैसे पावर DVD है, आपका नेरो बैकिटअप है, और आसूस का जो फार्मर अपडेट है वो भी इसमें है। ये आपका एक मैनुअल है, जो देखिए जो 6 मंथ्स का जो आसूस का जो वेब स्टोरेज फ्री है उसका ये एक्टिवेशन कोड है। इस एक्टिवेशन कोड के जरिए आप 6 मंथ तक जो अनलिमिटेड वेब स्टोरेज है इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए ये एक फ्री शॉपिंग बैग दिया आसूस ने, जिसमें आपका आसूस का ऑप्टिकल ड्राइव और आसूस का लोगो है, इसको आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए ये आपका पावर केबल है, आपका 2 तरह का पावर केबल, एक 3 पिन वाला एक 2 पिन वाला। ये आपका USB 3.0 का जो केबल है, आप डिवाइस के साथ इस ब्लू रे राइटर को कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। और ये आपका अडेप्टर है। ये देखें एक सुंदर सा स्टैंड दिया है आसूस ने इसको माउंट करने के लिए। इसको ये जो डिवाइस है इसका आप 2 तरह के यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं, डेस्क में ऐसे नॉर्मल रख सकते हैं, या तो आप इस स्टैंड में हॉरिजॉन्टल इसको माउंट कर सकते हैं। चलिए अभी इस राइटर को हम लोग अभी देखेंगे। बहुत ही सुंदर से पैकिंग करके भेजा है आसूस ने। कितना अच्छा लुक से इसका देखिए,
यहाँ पे आपका डायमंड कार्ड एक लोगो है, ये आपका ग्लो करेगा पावर ऑन का टाइम में। यहाँ पे देखिए आपका ब्लू रेड एक्स रिटर्न है, पीछे देखिए ये आपका एक ऑन ऑफ स्विच है, आपका डीसी इनपुट है और आपका एक जो यूएसबी है यूएसबी 3.0 उसका एक पोर्ट है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल जो माउंट है स्टैंड के लिए। आप चाहे तो इसको आप इसे नॉर्मली डेस्क में ऐसे इस मोड में यूज़ कर सकते हैं, और आपको स्टैंड यूज़ करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे छेद है और ये जो स्टैंड है इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी इसको माउंट कर सकते हैं। इसको राइट साइड में आपका वो डीवीडी ट्रे आ जाएगा। चलिए अभी इस डिवाइस को हम लोग पावर ऑन करेंगे और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी चेक करेंगे। अभी ASUS एक्सटर्नल ब्लू रे राइटर को हमने ऑलरेडी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी चलिए इसको पावर अप करते हैं और इसका जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन है वो भी करते हैं। अब पीछे आपका जो पावर बटन है, अब देखिए कितना एक ब्लू कलर का जो डायमंड कट जो आपका जो LED था वो ग्लो कर रहे हैं। आपका यहाँ पे जो ट्रे का जो ओपन है यहाँ पर आपका बटन है, देखिए कितना अच्छे तरीके से ये ट्रे ओपन हो गया। चलिए अभी इसका जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है वो अब हम लोग एक बार दिखाएंगे आपको। देखिए इसके साथ देखिए दो सॉफ्टवेयर है आपका, एक है नेरो बैकेट अप, एक है आपका BD Suite Pro। BD Suite Pro के अंदर आपका जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए पावर DVD, पावर टू गो, पावर बैकअप एंड इंस्टेंट बर्न, ये चार सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है नेरो बैकेट अप और ये आपका फार्मर अपडेट। फार्मर अपडेट से आप इस डिवाइस का जो नया फार्मर आपका वेबसाइट में ASUS का वेबसाइट में मिल जाता है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम आपका जो DVD के साथ आया है यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। ASUS एक्सटर्नल ब्लूरे प्लेयर, इस प्रोडक्ट की बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।